गुड इवनिंग गाइस, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल वर्चुअस में। तो एक इम्पॉर्टेंट अपडेट सेशन रिगार्डिंग बैंक प्राइवेटाइजेशन जो काफ़ी डिस्कस टॉपिक रहा है पिछले कुछ दिनों में, सिंस हमारा इस साल का जो बजट रिलीज़ किया गया उसमें बताया गया कि दो पब्लिक सेक्टर बैंक्स को इस साल प्राइवेटाइज किया जाएगा। और इसके रिगार्डिंग जो पहली मीटिंग है 14 अप्रैल को कंडक्ट करने वाले हैं बिटवीन नीति आयोग, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एंड फाइनेंस मिनिस्ट्री। और यहाँ पे डिस्कशन स्टार्ट होगा रिगार्डिंग कि कौन कौन से वो दो बैंक्स होने चाहिए जिन्हें फाइनली प्राइवेटाइज किया जाए। तो इस न्यूज़ के बाद, एक दो दिन पुरानी न्यूज़ है ये कि 14 अप्रैल को ये मीटिंग होनी है। कुछ स्टूडेंट्स के मेरे पास मैसेजेस आए जो डिफरेंट न्यूज़पेपर आउटलेट्स हैं उनकी कटिंग्स, प्लस मुझसे पूछते हुए कि सर अब तो सारी चीज़ें प्राइवेट हो जाएगी। देखिए, ये प्रोसेस की एकदम इनिशियल पार्ट है, अभी पहली मीटिंग होनी है, अभी वो मीटिंग हुई भी नहीं है। 14 अप्रैल को वो मीटिंग है, उस पर सबसे पहली बार डिस्कशन किया जाएगा। एक बार मीटिंग से ही कुछ भी डिसाइड होता नहीं। अब एक बार ये 14 अप्रैल की मीटिंग हो जाने दीजिए, वी विल सी कि क्या डेवलपमेंट रहता है, किस पेस पे डेवलपमेंट हो रहा है और क्या डिसाइड किया जाता है। तो अभी के लिए तो कि कौन से वो दो पोटेंशियल बैंक्स रहेंगे जिनको प्राइवेटाइज करने के लिए शॉर्टलिस्ट किया जाएगा, ये भी अभी तक डिसाइडेड नहीं है। इसके लिए भी पहली मीटिंग अभी होना बाकी है जो 14 अप्रैल को है, तो 14 अप्रैल को होने दीजिए, उसके बाद पता चलेगा। और अकॉर्डिंगली फिर आप देखेंगे कि जो भी बैंक्स के नाम सामने आते हैं, जो मुझे नहीं लगता पहली मीटिंग के बाद आएंगे, उसके बाद फर्दर और भी कई मीटिंग्स होने की ज़रूरत है, देन उसके बाद में भी ये शॉर्टलिस्ट की जाए कि कौन से दो बैंक्स को प्राइवेटाइज किया जाएगा। इनके जो रेस्पेक्टिव यूनियंस हैं ऑब्वियसली वो इसके अगेंस्ट प्रोटेस्ट करेंगे। वी विल सी कि इसका आगे क्या डेवलपमेंट रहेगा। अब एज अ कैंडिडेट, एज अ बैंक एस्पिरेंट, आप लोगों की अप्रोच बिल्कुल क्लियर कट रहनी चाहिए कि इस साल के रिक्रूटमेंट्स जो हैं ऑलरेडी लेड आउट हैं, IBPS कैलेंडर आउट है, SBI के रिक्रूटमेंट्स आपको बहुत जल्दी देखने को मिलेंगे। तो पूरा का पूरा फोकस जो है वो प्रिपरेशन पे रहें, इन न्यूज़ पे नहीं कि प्राइवेटाइज हो जाएंगे तो हम बैंक की तैयारी छोड़ देते हैं। अब क्या फ़ायदा है बैंक एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करने का, कुछ भी फाइनलाइज नहीं है। ये एक लंबी प्रोसेस का बिल्कुल स्टार्टिंग पार्ट है, इनिशियल पार्ट है, जिसमें अभी तक पहली मीटिंग भी नहीं हुई है। और वो पहला जो डिस्कशन है वो 14 अप्रैल को किया जाएगा बिटवीन द रेस्पेक्टिव अथॉरिटीज। तो इसके लिए परेशान बिल्कुल नहीं होना है, फोकस रहना है अपनी प्रिपरेशन पे। अब 14 अप्रैल के बाद जो भी अपडेट रहता है मैं आपके साथ शेयर करूंगा, आप लोगों को भी वैसे पता चल जाएगा, आप सभी अप टू डेट रहते हैं करंट न्यूज़ के साथ। तो लेट्स सी कि क्या डेवलपमेंट रहता है। अननेसेसरी पैनिक करने की ज़रूरत नहीं है, परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, अपनी तैयारी पे फोकस रहिए। ऑलरेडी प्रीलिम्स और मेंस के लिए कोर्सेज चल रहे हैं, उन कोर्सेज को अच्छे से फॉलो कीजिए। फ्री ऑफ कॉस्ट कोर्सेज हैं, बोथ फॉर प्री एंड मेंस, बोथ फॉर क्वांट्स एंड रीजनिंग, उनको अच्छे से क्लासेस को अटेंड कीजिए। पुरानी जो प्लेलिस्ट है वहाँ से प्रैक्टिस के लिए आपको खूब कंटेंट मिल जाएगा, वहाँ से प्रैक्टिस कीजिए, ठीक है। तो परेशान होने की जरूरत नहीं। अब लेट्स सी 14 अप्रैल को क्या डेवलपमेंट रहता है, वो डेवलपमेंट मैं आपके साथ शेयर करूंगा। नाउ दैट्स ऑल फॉर टुडे सेशन, टेक केयर।